एक बात ध्यान रखना, ये इंटर्नशिप एक तरफ मध्य प्रदेश को गुड गवर्नेंस देगा, योजनाओं के क्रियान्वयन में मुझे सहयोग मिलेगा, सरकार का काम बेहतर ढंग से हम नीचे तक ले जा सकेंगे, भाई आपकी स्किल को ये कई गुना ज्यादा बढ़ाएगा, आपके कॉन्फिडेंस को ये कई गुना ज्यादा बढ़ाएगा। मतलब हमने तय किया कि बेरोजगारी भत्ता नहीं, काम के बदले में सम्मान निधि की व्यवस्था करनी चाहिए। ये सम्मान निधि है। देखिए हमारे यहां मध्य प्रदेश में भी 18 से लेकर 29 साल की आयु के 1.5 करोड़ युवा है और भारत सबसे युवा राष्ट्र है, 28 एवरेज एज है हमारे यहां। प्रधानमंत्री जी ने पंच प्रण लिए हैं, मैं उनकी विस्तार में चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन एक बात जो उन्होंने स्किल डेवलप करने की कही और उसमें लगभग 47 लाख युवाओं को मौका मिलेगा, युवा पीढ़ी को उन्होंने अमृत पीढ़ी करके संबोधित किया है। तो ये भी जो काम है ये स्किल डेवलप करने का ही काम है। इस स्किल को डेवलप करके आपको अलग अलग जगह अनेकों अवसर मिलेंगे, ये मेरा विश्वास है। आप अपने आप को सिद्ध करेंगे और लोग आपको पिकअप कर लेंगे। अभी से लोग आ गए, अलग अलग कंपनीज आ रही हैं, अलग अलग संस्थाएं आ रही हैं जो हमारे साथ MOU कर रही है और ये कह रही है कि हम आपके साथ मिलके काम करेंगे। स्टार्टअप कई ऐसे हैं जो कह रहे हैं कई बच्चों को तो हम ले जाएंगे, परमानेंट हम ले जाएंगे। तो ये एक मौका है हमारे सामने अपने टैलेंट को दिखाने का, सीखने का, और इसलिए इसमें जो आपको ट्रेनिंग दी जाएगी वो ट्रेनिंग ढंग से लेना, पूरी गंभीरता से लेना। ये ट्रेनिंग तुम्हारे भावी जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होगी, बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होगी।